वेलकम बैक टू माई चैनल। सो टुडेज व्लॉग इज़ गना बी माई पर्सनल फेवरेट व्लॉग बिकॉज आज मैं जा रही हूँ अपने कॉलेज आखिरी दिन एंड कुछ माइनर पेपर वर्क बचे हुए हैं। सो आई थॉट वाई नॉट टेक यू गाइज देयर। सो आई विल ट्राई टू गिव अ स्मॉल टूर ऑफ माई कॉलेज इफ आई कैन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो दिस इज माई कॉलेज बट आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियर वन थिंग विथ यू गाइज। मैं प्रॉपर डिटेल वीडियो नहीं बना पाऊंगी बिकॉज आई हैव सम पेपर वर्क टू डू बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू शो यू सम ऑफ द ग्लिम्सेस ऑफ माई कॉलेज। सो लेट्स बिगिन गाइज। तो ये है हमारा कॉलेज और ये है काउंटर जहाँ पे पेशेंट अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और बिलिंग वगैरह भी इस काउंटर में होता है। और ये हमारे लेट डायरेक्टर सर का स्टैचू है। अब हम जाएंगे अंदर एंड दिस इज़ द प्लेस जहाँ कॉलेज से रिलेटेड सारे अच्छे और बुरे खबरें दोनों लगते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं आगे फर्स्ट डिपार्टमेंट की ओर। सो दिस इज़ द ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। ये डॉक्टर और पेशेंट दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। यहाँ पे पेशेंट का डायग्नोसिस होता है एंड यहीं से फिर पेशेंट को अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में हम लोग रेफर करते हैं। सो अब हम लोग देखेंगे एक्सरे मशीन्स। तो दिस इज़ दी सीबीसीटी जो कि अभी के टाइम में सबसे लेटेस्ट एक्सरे मशीन है। ये 3D रेडियोग्राफिकल इमेज प्रोवाइड करती है। अब हम लोग जाएंगे ओपीजी रूम में और ये है ओपीजी मशीन जो एक सिंगल फिल्म में अपर और लोअर जॉ की सारे दांतों का इमेज प्रोवाइड करता है। एंड दिस इज द IOPA मशीन विच इज मोस्ट कॉमनली यूज। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर एंड अभी हम लोग जा रहे हैं प्रोस्टेट डिपार्टमेंट जहाँ पे पेशेंट का डेंचर बनता है। पेशेंट में जो भी मिसिंग टूथ होते हैं उसको रिमूवेबल या फिक्स प्रोसेसेस से रिप्लेस करते हैं एंड इम्प्लांट जो कि बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो भी इसी डिपार्टमेंट में होती है। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड फ्लोर की ओर एंड दिस इज द डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेटिव एंड एंडोडोंटिक्स डेंटिस्ट्री। यहाँ पे बेसिकली जो भी टूथ रीस्टोर हो सकता है, जो एक्सट्रैक्शन नहीं करवाना, तो उसको यहाँ पे रीस्टोर कर सकते हैं विथ RCT और रेस्टोरेशन। और यहाँ पे और भी सारे प्रोसीजर्स लाइक डीपिगमेंटेशन और ब्लीचिंग ये सब भी होती है। दिस इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ पेरियोडोंटिक्स। यहाँ स्केलिंग यानी दांतों की सफाई, फ्लैप सर्जरीज और जिंजाइवल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील किया जाता है। और ये है बच्चों का डिपार्टमेंट यानी डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक्स जहाँ पे 14 ईयर्स के बिलो जितने भी बच्चे होते हैं उनसे रिलेटेड जितने भी डेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं उसको यहाँ डील किया जाता है। एंड दिस इज द पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट। यहाँ कम्युनिटी में डेंटल डिजीजेस के प्रिवलेंस और जो फैक्टर्स उनसे रिलेटेड होती है उनके बारे में पढ़ाया जाता है एंड साथ ही हमें डिफरेंट कैंप्स में ले जाते हैं टू हेल्प अस लर्न अबाउट चैलेंजेस आउटसाइड। एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द फिफ्थ फ्लोर। दिस इज़ आवर लाइब्रेरी एंड ये जो एरिया है ये यूजली UGs के लिए नहीं है बट आज मैं यहाँ आ जा रही हूँ बिकॉज लास्ट डे गाइज। ये यूजली PGs के लिए है, वो यहाँ पे वर्क करते हैं। एंड दिस इज आवर लाइब्रेरी। यहाँ पे आपको बुक्स और सिर्फ बुक्स दिखेंगे। दिस इज आवर कॉलेज कैंटीन जो कि अभी बंद है। वी आर ऑन द सिक्स्थ फ्लोर एंड दिस इज द लास्ट डिपार्टमेंट दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ ओरल पैथोलॉजी। जो भी सस्पेक्टेड डिजीज की टिश्यू होती है उसकी स्टडी यही होती है। वन मोर थिंग गाइज, मैं दो बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स कवर नहीं कर पाई बिकॉज आई वॉज टू अर्ली और वो दोनों डिपार्टमेंट्स बंद थे। द फर्स्ट वन इज़ द ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी डिपार्टमेंट जहाँ पे एक्सट्रैक्शंस, मेजर टू माइनर सर्जरीज, ट्रोमैटिक सर्जरीज ये सारी चीज़ें परफॉर्म होती है। एंड द सेकेंड वन इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोडॉन्टिक्स एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स जहाँ पे मेलानाइन टीथ का ट्रीटमेंट होता है। कोई भी एबनॉर्मलिटी जो डेंटोफेशियल रीजन में होती है उसको यहीं डील किया जाता है। So now I'll show you my classes and this is the area where we used to spend most of our leisure times and come on, I'll show you. First year classroom. And we were sixth bench mein baithte the na? Yes. This was the final year classroom. Now
One of my most favorite senior ma'am. So you want to say something? Hello, Galaksha. The college will be so empty without you people, yaar. Monkey jumping around. So we decided to have a chota mota scribble day. So let's begin, guys. लगता है आजकल दौर अपना आएगा यारो जो खुद पे हो यकी तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा है जुनू सा जीने में है जुनू So I guess I'm gonna end my vlog here. It was kind of very mixed feeling for me because 5 साल के बाद एक नए जर्नी का शुरुआत है तो खुशी बहुत है एंड दुख इस बात की है कि यहाँ का लाइफ यहाँ का जर्नी अब ख़त्म हो रहा है एंड जिसने ये कॉलेज लाइफ देखा है वो मेरे साथ अग्री करेगा उसको रिलेट कर सकता है मेरी फीलिंग्स एंड या वन मोर थिंग जिसने अभी तक अपना कॉलेज लाइफ शुरू नहीं किया है आई जस्ट वॉन्ट टू से कि प्लीज़ इन्जॉय योर कॉलेज डेज बिकॉज ये लाइफ वापस आपको नहीं मिलता एंड विद दिस आई एम गोना एंड माई ब्लॉग योर I hope you like this video. If you did, give a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to my channel. I'll see you guys next time. Bye.